अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ घर से, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, और मगरिब के बाद मैं फ़ौरन निकल जाता हूँ, मगरिब बल्कि अजान से पहले मैं निकल जाता हूँ, और नमाज़ पढ़ के सीधा फिर उधर जिम, फिर जिम से फारिग होके नमाज़ और नमाज़ पढ़ के वापस घर, और फिर खाना। नहीं जी, लिफ्ट आ गई है। अच्छा, कोशिश कीजिए कि आपका अगर जिम घर के आसपास है तो आप पैदल जाएं, ताकि जिम जाने तक आप जो है अच्छी तरह वार्म अप हो जाएं, और अगर दूर है तो उस सूरत में फिर आपको जाहिर है मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर पास है 10 मिनट लगते हैं पैदल चलने में वो ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो बॉडी है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगी वर्कआउट के करने से पहले। ऑब्वियसली जब जिम में जाएंगे तो वार्म अप तो करेंगे ही करेंगे आप, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप और वार्म अप हो चुके होंगे पैदल चलने की वजह से, तो इस चीज़ को ख्याल रखिए। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल या गाड़ी का इस्तेमाल बिला वजह ना कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी जिम के अलावा भी होनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, ये अच्छा है हमारे लिए। सितंबर 2016, हाँ जी, मेरे पास है सितंबर में, सितंबर 2016 में मैं यहाँ पर आया था, और तब से लेकर अब तक मैं इसी जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा जिम है ये। अंदर जाके देखते हैं इस वक्त कितना रश है। लोग हैं अभी अंदर वर्कआउट कर रहे हैं। ये इसका कार्डियो एरिया है, स्टार्टिंग में ही इसकी कार्डियो आ जाती है। आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो डंबल्स जो जितने भी हैं ये सब डंबल्स वाला एरिया है, और मैक्सिमम यहाँ पे जो डंबल का वेट है 100 kg तक, ये 100 kg, और मिनिमम से लेकर मिनिमम वो नज़र नहीं आ रहा है, छोटी सी डंबली है। ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, यहाँ पे चिनअप्स, हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, वो मिल गई, ये डंबली छोटी सी, ये मिनिमम छोटी सी डंबली है यहाँ की। रोइंग हैमर, रोइंग टी रॉड, शोल्डर। हाय मैन, हाउ आर यू? गुड, आई एम गुड, फाइन, थैंक यू। और ये मेरा पसंदीदा एरिया, स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स की मशीन, ट्रैप्स के लिए, लेग वर्कआउट, ग्रेट। और ये है चेस्ट के लिए, इंक्लाइन बेंच, पैक टैक, डीक्लाइन एंड फ्लैट, और इस मशीन का नाम नहीं मुझे आता, लेकिन चेस्ट प्रेस के लिए ही इस्तेमाल होती है। काफ़ी अच्छा जिम है, खुला जिम है इस एरिया में, मैंने देखे हैं जिम जितने भी इस एरिया में जिम है वहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, और दूसरा ये कि तंग तंग सा है, इस लिहाज से ये जिम काफ़ी बड़ा है। वो देखें आप पीछे, तो ये था मेरा जिम जहाँ पे मैंने काफ़ी अरसा एक्सरसाइज की है, और ये है स्मिथ मशीन, और ये कुछ कोर के लिए है, क्रंच, हाइपर एक्सटेंशन, और इसका नाम भी मुझे इस मशीन का आता है, इस बेंच का। और ये भी पेट के लिए ही है, ओब्लिक्स के लिए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लोअर बैक के लिए, एब्डोमिनल के लिए,
جسم کے لیے ایکسرسائز یوز کر سکتے ہیں. یہ روئنگ پڑی ہوئی ہے اور یہ وائبریٹر اس کے اوپر کھڑے ہو کے ناچتے ہیں مذاق کر رہا ہوں. باڈی کو ریلیکس کرتا ہے یہ وائبریٹر. مسلس جو آپ کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں ان کو ریلیز کرتا ہے, مسلس کو ریلیکس کرتا ہے, اسموتھ کرتا ہے, سافٹ کرتا ہے. تو السلام علیکم, کیف حال؟ تو یہ کافی اچھی مشین ہے. آج میرے شولڈر ڈے تھا اور یہ میرا دوست مارکس صاحب لاہور سے. ماجد صاحب ایکسرسائز کرتے تھے انہیں. شبا شبا ماجد صاحب, کھینچ کے رکھو کھینچ کے رکھو. رش ہے اور میری آلموسٹ گیم ختم ہو چکی ہے. اب فور آرمس کی گیم کرنی ہے اور بس چھٹی. سامنے بلڈنگ تھی, بلڈنگ ہے جہاں پہ میری لیونگ ہے, گولڈن سینس ٹاور. یہاں سے آنے میں مجھے تقریباً 5 منٹ لگ جاتے ہیں, 5 منٹ کا پیدل سفر ہے. اور یہ سامنے مسجد میں فارغ ہو کے دن سے نماز عشاء کے لیے نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد گھر. تو یہ تھا میرا جم اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اور اب میں باہر نکل رہا ہوں اس جم سے. امید ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے کسی انفارمیشن یا کسی ایکسرسائز کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ.